स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल मैत्री ब्यूटी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो चीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक तैयार सूट से आप माप कैसे। कई बार कस्टमर्स आपके पास नहीं आ पाते हैं और वो आपको सूट भेज देते हैं और उसका माप लेना आपके लिए काफी मुश्किल भरा हो जाता है, खासकर तीरा वगैरह। तो आज मैं सूट की फुल आपको मेजरमेंट्स लेके दिखाऊंगी। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले आप एक डायरी में या किसी पेज पर, किसी नोटबुक में सबसे पहले नाप जिन जिन का हम लेते हैं वो लिख लेंगे। जैसे देखिए, मैंने यहां लिखा है 6 इंच का माप, कमर का माप, हिप, झोली नीचे से, बाजू की लंबाई, बाजू की मोहरी, तीरा, गले की लंबाई और आर्म। आप भी सेम यही माप लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम जिस भी कपड़े का माप ले रहे हैं, चाहे वो स्कर्ट है, चाहे वो सलवार है, चाहे सूट है, प्लाजो, कुछ भी है, उसको हम सबसे पहले अच्छे से बिछा लेंगे, सभी कॉर्नर्स को अच्छे से मिला लेंगे और सबसे पहले हम उसकी लेंथ को मेजर करेंगे। ये देखिए, हम गले के पास से लेंगे, हम बिल्कुल अच्छे से बिछाया हुआ है। यहां हमारे सूट की लेंथ है 41 इंच, हमें ये लेनी है 3 इंच ज्यादा यानी कि 44। 2.5 इंच हम नीचे मोड़ने के लिए लेते हैं और आधा इंच हम ऊपर तीरे में डालते हैं। तो हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब नेक्स्ट मेजरमेंट जो है हम छाती के लिए लेंगे। दोनों साइड की सिलाई हम सबसे पहले अच्छे से निकाल लेंगे, हल्का सा उसको स्टिच करेंगे, हल्का सा बिल्कुल, और मेजर करेंगे। ये देखिए, ये हमारी 18 इंच है। यहां पर ऐसे ही आपको मेजर करना है, हम नोट डाउन कर लेंगे। अब नेक्स्ट माप होगा हमारा कमर का माप। कमर के माप के लिए सबसे पहले हम कमर से आर्म होल तक की लेंथ लेंगे। ये एक काफी पतली लेडीज का है तो मैं यहां 7 लेती हूं, तो 1/2 इंच हमारा ऊपर मोड़ाई में गया है तो मैं यहां 6.5 इंच पर एक चौक से मार्क कर दूंगी। सेम मैं यहां कर दूंगी और ये देखिए हमारे दोनों निशान। अब हम यहां से लेंथ मेजर कर लेंगे। ये हमारे यहां 14 इंच आ रहा है, हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। अगर ये किसी हेल्दी लेडीज का सूट है तो आर्म होल से कमर की लेंथ हम यहां 7.5 लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा हिप का। हिप के लिए भी हम चोक के जो स्टार्टिंग है यहां से अच्छे से निकाल लेंगे दोनों साइड से ही। अब हम आर्म होल से लेकर यहां तक मेजर करेंगे। ये हमारा 14 इंच है यानी कि 1/2 इंच हमारा दबाई में चला गया है बाजू में, 14.5 इंच था ये। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। अब हम हिप की चौड़ाई लेंगे, दोनों ओर से अच्छे से निकाल लेंगे, अच्छे से बिछाएंगे। ये देखिए, ये हमारी 18.5 इंच आ रही है यहां पे। ये देखिए, बहुत ज्यादा नहीं खींचना है आपको, नॉर्मल लेना है यहां से। कई बार हम यहां बड़ा ले लेते हैं, इसको भी नोट करेंगे। अब नेक्स्ट हम झोली का माप लेंगे। ये माप हम हिप से 1 इंच ज्यादा लेते हैं। यहां भी देख रहे होंगे आप, ये 19.5 इंच आया है। ये सूट प्लाजो का है तो इसलिए हमने यहां हिप के माप में 1 इंच ऐड कर दिया है। अगर आपका सलवार का सूट है तो हिप के इंच में 1/2 इंच ऐड करके हम झोली का माप ले लेते हैं। सभी के लिए ये बात लागू होती है, इसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे। अब हम बाजू का माप लेंगे। सबसे पहले हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। देखिए, जहां से हमारी सिलाई लगी हुई है बिल्कुल वहां अच्छे से हम अपने फीते को रखेंगे और ले जाएंगे। ये हमारी यहां 11.5 है, 1/2 इंच हमारा मुड़ाई में ऊपर गया है तो यानी कि इनकी लेंथ 12 है यहां पर। अब हम इसकी मोहरी का माप लेंगे, सिलाई को अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखिए,
ये मोहरी हमारे यहां 5 इंच है, इसको भी नोट डाउन करेंगे। अब हम आते हैं तीरे के माप पर। तीरे के माप के लिए हम सूट को बीचों बीच से मोड़ लेंगे। देखिए ऐसे बिल्कुल अच्छे से मोड़ेंगे यहां। इसके लिए हम गले के नीचे कुछ भी ऐसा स्ट्रेट रख लेंगे जिसकी एज हो, इसको हम इसके नीचे लगा लेंगे। आप यहां कोई भी रख सकती हैं, बुक रख सकती हैं, नोटबुक रख सकती हैं। अब देखिए ये हमारा ना निशान बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है यहां से। अब हम बाजू की सिलाई से इस कॉर्नर तक मेजर करेंगे। ये हमारा 5.5 इंच है, यानी 1/2 इंच मोड़ाई में जाने के बाद ये तीरा यहां 6 इंच लिया गया है। इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। इसी पर हम गले की लेंथ भी ले लेंगे। ये देखिए ये हमारी 6 इंच है, यहां 1/2 इंच सिलाई में गया है, यानी कि इसको 6.5 इंच लिया गया है। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। इसकी चौड़ाई भी हम यहां ले सकते हैं गले की ऐसे। यहां इसकी चौड़ाई 3 इंच है, यानी कि गला 6 इंच चौड़ा है हमारा। सेम वे में हम बैक गले का भी ले लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, यहां हम फीते को रखेंगे, जहां भी हमारा स्ट्रेट आता होगा वहां ले लेंगे। 7 इंच है यहां हमारा करीबन, यह 7.5 इंच लिया गया है, 1/2 इंच को कुछ सिल्ले में ले लिया है, तो 7.5 इंच हम नोट कर देंगे। और आर्म होल को हम तीरे के माप के अकॉर्डिंग लेते हैं। जितना भी हमारा तीरा है उसमें 1/2 इंच ऐड करके हम आर्म होल ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पूरे सूट की मेजरमेंट्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज ये भी बताइएगा, अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी डाउट आता है, छोटा भी डाउट आता है, तो भी वो भी हमें आप कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। गुड बाय।